because that is something that you will also get a lot of profit from. But at the same time, देश भी इसी से आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी. So definitely congratulations to all of you for that. So yes, thank you sir for such a lovely introduction. मेरा नाम नम्रता है. I am the senior clinical psychologist and product head of Brain Wonders. एंड यहाँ पे अभी हम लोग, जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस किया, अभी हम लोगों ने पूरे 10 साल कंप्लीट कर लिए. 10 सक्सेसफुल इयर्स इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस इंडस्ट्री, वेयर वी हैव बीन प्रोवाइडिंग करियर काउंसलिंग एंड असेसमेंट्स टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स वेल. काफ़ी सारे लोगों के साथ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स हैं या कंपनीज हैं, बट एट द सेम टाइम वन ऑन वन जो काउंसलिंग्स होते हैं किन्हीं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल जैसे आप लोग हैं, कोई बिजनेस देख रहे हैं अपने लिए तो किस डायरेक्शन में जाना है, उसके साथ हम काम करते हैं. दैट इज़ वाई वी हैव बीन वर्किंग विद ऑल द एज ग्रुप, सारे एजेस, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ हमारा क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग है. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू बिगिन टुडेज सेशन. आई हैव हैड द प्रिविलेज कि आज हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष नायडू, ही विल बी प्रेजेंट टुडे इन द सेशन. बट इससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ, आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू हमारा जो मॉडल है, हम जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस तख्त पे आज खड़े हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. या सो सर, माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी वन आई होप. यस समृता जी, इट्स विजिबल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी. तो ब्रेन वंडर्स एक, जैसा मैंने बताया कि हाल ही में हमने अपने 10 साल कंप्लीट करे हैं. वी हैव कंप्लीटेड अ डेकेड ऑफ बीइंग इंडियाज लीडिंग करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, द इंडियाज लीडिंग असेसमेंट कंपनी. एंड ये सब आप और हमारे इस आपके जैसे और क्लाइंट्स हैं उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो 108 अभी फ्रेंचाइजीज है इंडिया एंड अब्रॉड को मिला के, इन सब की जो मेहनत है और इन सब का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ड्रीम्स है, जो विजन है, उसके थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ है. सो थैंक यू फॉर दैट. हम लोग 23 जुलाई 2011 में हमारी शुरुआत हुई थी, जब हम इंडिया में US पेटेंट DMIT, जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, जो बेसिकली अब बायोमेट्रिक बेस्ड प्रोफाइलिंग टूल है, वो लेकर आए थे. एंड उसके बाद हमने जल्दी ही विद इन 2 ईयर्स हम लोगों ने 11 से ज़्यादा सेंटर्स अपने पूरे इंडिया में अलग अलग भारत के अलग अलग कोने में फैला दिए थे. सो वी हैड ओपन मोर देन 11 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. एंड देन 2015 में हम लोगों ने स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे कनेक्ट करना भी शुरू कर दिया था. सो एज यू कैन सी विद इन द 4 ईयर्स हम लोग का जो वन ऑन वन एक बच्चे के साथ जो काउंसलिंग हम लोग अपने लोकली हेड ऑफिस में हमारे मुंबई में उनके साथ करते थे, वो वहाँ से लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एसोसिएशन बनना शुरू हो चुका था. 2019 में, because we always believe in innovation and moving forward, 2019 में हम लोगों ने अपने जो सारे services है, अपने जो सारे requirements है, वो सब online, यानी कि एक digital platform पे computer के माध्यम से, you know, we have made it available to each and every person of India, because we truly believe in making a positive difference to as many people as we can. And that is how we have been moving ahead, where last year itself we have launched a DMIT app as well, and we are the first company in the world to do this. Now, like I said, with all these efforts, there's a lot of recognition has come into place. Kafi sare awards, kafi sare media articles, kafi sare, like I said, reputed organizations, like Early Childhood Association ho gaya, National Career Development Association ho gaya, in sab ke saath, inhone hamare kaam ko kafi saraha hai aur hamare kaam ko aur logo tak pahunchane mein kafi hamari, humko unhone support kiya hai, because they have also evaluated our services, they have also gone through it, and they have understood that how important the work that we are doing, jo hamare, jaise maine bataya, hamare CEO ka jo vision tha, to you know, to ensure that each and every child is able to realize their own potential, usko aage badhane ke liye humne hamesha apne kadam badhaye hain. Like I said, hum kai tarike ke programs and services offer karte hain. काउंसलिंग एंड असेसमेंट्स इज वॉट ही स्पेशलाइज इन, बट यही चीज़ हम स्कूल्स में काफ़ी लेवल पे करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू दी यू नो 12th स्टैंडर्ड एंड इवन कॉलेज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव टेकन आर सर्विसेज, चाहे सब्जेक्ट सिलेक्शन हो, इवन आइडेंटिफाइंग द राइट स्कूल या फिर राइट बोर्ड,
हम लोगों का वहां पे काफी बोलबाला रहा है एंड पीपल हैव ऑलवेज यू नो लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड आवर सर्विसेज एंड उसमें काफी बेनिफिट ये रहता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स टीचर्स इन लोगों ने भी अपनी प्रोफाइलिंग करवाई है, जो है प्रिंसिपल है जो चाहते हैं कि अच्छा हम अपनी टीम को कैसे अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करें, इवन दे हैव टेकन दिस टेस्ट एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इट. जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है DMIT द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट राइट एंड वी आर द ओनली कंपनी हु हैज अ पेटेंट इन दिस टेस्ट. सो दिस हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल बोर्ड्स, ऑल इंडियन एजुकेशन बोर्ड्स, चाहे वो CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, IB, IGCSE, लाइक आई सेड इवन प्री स्कूल्स, उनमें काफ़ी पॉपुलर रहा है. जो कि हम लोगों ने काफ़ी सारे पेरेंटिंग वर्कशॉप, टीचर्स वर्कशॉप, गाइडेंस प्रोग्राम, काउंसलिंग सेशंस, इन सब के साथ उसको उसके जो इफेक्ट है या उसके जो बेनिफिट्स है उसको और इन्हांस किया है. सो वी हैव अ ग्रेट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, वेदर यू टॉक व्हेन वी नो इन अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज इन अ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हु एंड दिस इज समथिंग दैट इवन अ फ्रेंचाइजीज हैव. हमारे फ्रेंचाइजीज का भी जो ट्रेनिंग होता है या फिर हमारे जो सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं दे आर ऑलवेज वेरी क्वालिफाइड एंड दैट इज वाई हम लोग काफ़ी सारे अवेयरनेस बिल्डिंग सेशंस में भी कई बार पार्टिसिपेट करते हैं ताकि लाइक आई सेड हर बच्चा या हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं पर काम करते हैं या कोई बिजनेस ओनर है, दे ऑलवेज ऑलवेज शुड बेनिफिट फ्रॉम वॉट वी आर ट्राइंग टू डू एंड सो फार वी हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन दिस. कई सारे अवार्ड्स भी हमें इस चीज़ के लिए मिले हैं, जैसे कि एजुकेशन टुडे हो गया, एलरॉक हो गया, ब्रेन फीड हो गया, इन सब में यू नो हमारे जो जो इनकी नेशनल या इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं लाइक एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हो गए, एजुकेशनल समिट हो गए, स्कूल समिट हो गए, उसमें वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी वाइडली सेलिब्रेटेड बिकॉज लाइक आई सेड हमारे जो टीचर्स या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा हमारे सर्विस को काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है एंड दे हैव एक्चुअली कैरीड ऑन दैट यू नो फर्दर. सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव सम अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स एसोसिएटेड विद अस. एज यू वुड हैव फिगर्ड आउट राइट नाउ कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में या फिर टैलेंट डेवलपमेंट सेक्शन में काफ़ी स्ट्रांगली प्रेजेंट है. The reason for that is primarily because this is a forever need, right? Growth is something हर एक individual, चाहे वो किसी भी age का हो, वो हमेशा उस पर focus करता है, चाहे वो खुद का growth हो या अपने बच्चों का हो या अपने team का हो या अपनी company का हो या फिर अपने school का हो या फिर अपने teachers का हो, everybody would like to grow. And that is exactly what education sector stands for. So in fact, आप देखेंगे कि कई बार you know, last time का एक article भी था Economic Times में where EduTech, right, which is a blend of education and technology, that is one of the sectors which has actually been, jiska demand sirf badhta gaya hai, even despite jaise abhi pandemic aaya hai, koi bhi problems aati hai, education sector is always, always on the rise. The reason for that is primarily because, like I said, growth is a futuristic term. Hamesha hum aage ka sochte hain, right? हम हमेशा जैसे आप लोग भी अभी सोच रहे हैं कि अच्छा हमें अभी इसके आगे क्या करना है, हम इस लेवल पे पहुंच गए बट इससे भी बेटर कहाँ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है या मेरी फैमिली इससे ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है, राइट. सो दैट इज़ वाई जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो हमारी टेक्निकल टीम है दे ऑलवेज कीप ऑन इनोवेटिंग विद अ बिजनेस डेवलपमेंट टीम एंड अ रिसर्च एंड काउंसलिंग विंग टू प्रोवाइड हमारे जो भी सर्विसेज हैं वो सबसे ज़्यादा टेक्निकली फीजिबल, स्केलेबल, इम्प्लीमेंटेबल मॉडल्स को लेके, राइट, जो ईजिली हर एक इंडिया के हर एक सेक्शन में ईजिली यू नो अप्लाई हो सकता है और अडेप्ट हो सकता है, उसको लेके हम लोगों ने ये चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाई है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई थ्रू आउट आवर लाइक आई सेड यू नो ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव ओनली 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 ग्रोन. And for that, I would definitely like to say a lot of credit goes to our CEO and founder, Mr. Manish Nairu. I would like to invite him to the session right now. And please understand, you know, how your vision, aapka jo dreams and hopes hai, wo kis tarikhe se humare usse, you know, align hote hain. And after the session, I'm sure we'll be very, very happy to entertain your questions as well. Over to you, sir. Can everybody see me? Yes, Manish ji. Great. So what I'll do is I will first
share my screen and so can everybody see the screen of mine? Yes, Manishji. First, let me take this opportunity to thank Mr. Ashok, who has been such a great influence in franchising and as a franchise industry. And let me just get few things, details in place. So basically, before I start sharing the slides, I would want to make you all understand that the next 20 minutes or 25 minutes of your journey, I will ensure that I give as much output as possible. My name is Manish Naidu. English, Hindi, to main dono bhasha mein baat karne ki koshish karunga because I see a lot of people from northeast, east, and right from south to north. So there is a very diverse crowd. तो इसलिए क्योंकि कोई क्राउड मिस ना हो जाए आई विल अटेम्प्ट टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस एज मच एज पॉसिबल थैंक्स मिस्टर गर्ग बेसिकली ब्रेन वंडर्स आई फाउंडेड इन द ईयर 2011 इनफैक्ट हमारा 10वां साल चल रहा है जब आप लोगों में चेक करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड अवर वी आर स्टार्टिंग अवर 10th ईयर इनटू द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड बीइंग 10 इयर्स इनटू एजुकेशन इज अ वेरी मोमेंटस टास्क इट्स अ गुड एफर्ट एज वेल क्योंकि 10 साल एक ही इंडस्ट्री में रहना बहुत मुश्किल है कंसिडरिंग दैट पैंडमिक और काफ़ी सारे रिसेशन बीच में काफ़ी समय तक आया हुआ था तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन सेक्टर बिकॉज एजुकेशन सेक्टर बाई इट्सेल्फ इज अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर एजुकेशन सेक्टर बाई इट्सेल्फ इज अ सेक्टर जहाँ पे रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है एजुकेशन सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे समझो आप लोगों ने अगर 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये में अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट की होगी नाउ द मिनिमम फीस फॉर एनी रेप्यूटेड स्कूल इज ऑलमोस्ट मिनिमम रेप्यूटेड स्कूल इज एटलीस्ट 30,000 रुपीज तो अगर आप इन्फ्लेशन रेशियो देखो तो जहाँ आप 30,000 रुपये में पूरी 10 साल की आप स्कूलिंग किया करते थे वो आपका 1 साल का फीस भी नहीं है इनफैक्ट माई किड गोज टू स्कूल जहाँ पे 4,500 रुपये फीस है सो इट इज ऑलमोस्ट वॉट 40,000 रुपीज पर मंथ सो द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ एजुकेशन हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली और उसके इर्द गिर्द जितने भी एक्टिविटीज थे वो भी बढ़ चुके हैं आप काउंसलिंग देखो आप क्लासेस देखो आप एक्टिविटी सेंटर्स देखो आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो मिलाप है वो चेक कीजिए आप सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन सेक्टर अब एजुकेशन सेक्टर में व्हाई यू शुड बी कमिंग इन फॉर ब्रेन वंडर्स ए हम 10 साल से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं दूसरा आई विल गिव यू 10 मिनट्स ब्रीफ अबाउट हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास 5 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एक तो हमारा पेटेंटेड डीएमआईटी है जो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है तो इसमें हम क्या करते हैं हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं फिंगरप्रिंट लेते हैं एक 10 पेज की रिपोर्ट क्रिएट होता है और वो सॉरी 24 पेज की रिपोर्ट क्रिएट होती है जिससे बच्चे का इनबॉर्न पोटेंशियल स्ट्रेंथ वीकनेस पेरेंटिंग मेथड टेक्नोलॉजी सब कुछ चीज आप समझ में आ जाती है यू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट और सबसे बेस्ट चीज की जीरो से लेके 30 इयर्स तक आप हर एक बंदे को आप यूज कर सकते हो यू कैन एनीबडी एंड एवरीबडी इज ए पार्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस सो आपका टारगेट ऑडियंस एकदम बढ़ जाता है इट इज सो ह्यूज दैट ऑलमोस्ट एवरी वॉकिंग कस्टमर इज योर क्लाइंट सो दैट इज ए Second, we do IQ test. Third, we do aptitude test. Fourth, we do interest test. Five, we do personality test. Sixth, we have religious test. So our list of tests is so much that you would love the fact that we are so aggressive in our product range. यानी अगर समझो अगर किसी को 6,000 रुपया कम लगता है तो हमारे पास 300 रुपये की product है अच्छा हमारे पास 500 रुपये की product है तो जो भी बच्चा प्री स्कूल में एंटर करता है और वो एग्जिट लाइन पे जब वो कॉलेज या वो जो करियर पे बाहर निकलता है ये पूरी जर्नी को हम
हैंडल करते हैं. सो दैट इज व्हाई ब्रेन वंडर्स मेक्स अ वेरी ग्रेट प्रोपोजिशन. आई जस्ट ट्राई टू शेयर अ स्क्रीन. I'll just try to share a screen. Namrata, यहाँ पे वो screen share नहीं हो पा रहा है. So now I will try to see if you can handle the screen. Great. Great. So now you can see the screen? Yes, yes, Manish. Somebody can show a thumbs up. I would understand. Great. So US patented DMIT, यहाँ तक तो आपको नम्रता मैम ने बता दिया. We have also said, so these are the various product portfolio line which you have. यानि by joining Brain Wonders, you can identify somebody's left and right brain dominance, learning styles बंदे का कैसा है, recommendations, guidance क्या है, multiple intelligence profile क्या है, career counseling क्या है, what are the subjects. Each product can be reached out as counseling process. So everything is so very brilliant. So what we do is we take fingerprint scans, the report goes to our Malaysian lab. एक बार Malaysian के lab में चला जाता है, फिर वहाँ से वो report बन के आ जाती है और फिर हम counseling करते हैं. So it's a pure counseling industry. These are the five top things to get a high here. This is something which you should take a screenshot of. You should dare to dream. Then ensure that you take the right steps to ensure that the dream is fructified. Then first you start with the hard work, then you make a smart work out of it, then you have enough investment taki aapka ROI aate rahe, and it is not a fly by night. So you cannot be rich right at the beginning, but if you join the right company who has done everything, who has done the right steps to take to ensure that your hard invested money is being worked very smartly, is why you should join a franchisee concept in the very राइट इंडस्ट्री. और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एडुकेशन इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है. आप काउंसलिंग करते हो, दिस इज द ओनली प्लेस वेर यू काउंसिल एंड यू आर ऑल्सो बींग हेल्ड वेरी हाई इन द मार्केट. लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, देर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको कोई स्टॉक्स नहीं उठाना है, देर इज नो मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूज स्पेस विच यू वुड रिक्वायर. ओके, अनलिमिटेड क्लाइंट डेटाबेस, आप जीरो से लेके यानी वन एज ऑफ वन से लेके एज ऑफ 45 तक यू कैन टारगेट various spectrum of students, various spectrum of clients, various spectrum of industries. किसी को HR की requirement है, आप HR में assessments डाल दो. किसी को preschools में मेरा बच्चा कहाँ जाएगा उसमें requirement है, तो आप preschool में milestone marker का हमारा जो test है वो डाल दो. अच्छा, subject selection के लिए हमारे पास marks to career करके एक particular stream है, वहाँ पे आप डाल दो. उसके बाद आपका करियर गाइडेंस, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बाद में मेरा बच्चा कौन से स्ट्रीम में जाएगा, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा, क्या जॉब होगा, सैलरी कितनी होगी, इंटर्नशिप का अमाउंट कितना मिलेगा, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू हैव अनलिमिटेड डेटाबेस एंड अनलिमिटेड कैटेगराइजेशन एंड वुमन एम्पावरमेंट. सो इफ समबडी इज लुकिंग फॉर टू स्टार्ट इट फॉर देयर वाइफ और दे वॉन्ट टू बोथ जॉइन टूगेदर, नथिंग लाइक इट, वेदर हस्बैंड डज मार्केटिंग एंड द वाइफ डज काउंसलिंग, इट इज ब्रिलियंट. These are few success stories. ये मैं आपके साथ share कर दूंगा. This is one thing, irrespective of whomever you join, you have to understand. You have to work on a particular industry which has a blue ocean strategy. मुझे नहीं पता कि इसके पहले आपने कितने seminars attend किए होंगे, but you have to understand that you have to get into a zone of non-competing industry, where it is uncontested market space जो हम कहते हैं. जहां पे कॉम्पिटिशन हो या ना हो, दैट इज इररेस्पेक्टिव, दैट इज इररेलेवेंट. सो से फॉर एग्जांपल टुमारो इफ यू स्टार्ट एन एफएनबी, इफ यू स्टार्ट एन बाटा का शोरूम, और इफ यू स्टार्ट एन अमेज़न शोरूम, देयर इज नथिंग न्यू व्हिच यू आर क्रिएटिंग, यू आर जस्ट अनदर सर्विस प्रोवाइडर. देयर इज नो वैल्यू एडिशन, देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल एडिशन,
देयर इज नो प्रॉब्लम विच यू आर सॉर्टिंग इट. अगर पांच मेडिकल शॉप है तो आप छठवां मेडिकल शॉप हो जाओगे. अगर पांच फूड एंड बेवरेज का इंडस्ट्री है तो आप छठवां आप एक F&B स्टार्ट करोगे. सो यू हैव टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट विच विल मेक एन इम्पैक्ट इम्पैक्ट टू द सोसाइटी इम्पैक्ट टू योर ओन लाइफ इम्पैक्ट इन जनरल इन मेकिंग द वर्ल्ड मच मोर बेटर प्लेस टू लिव इन. अगर आप समझो कि अगर हम 30 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास में अभी, अगर 30 को 30 को अगर सही करियर गाइडेंस मिला होता एट द एज ऑफ 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, दे वुड हैव रीच और यू ऑल वुड हैव रीच टू अ डिफरेंट पोजिशन ऑल टुगेदर. करियर काउंसलिंग हैज अ ह्यूज इंडस्ट्री स्कोप. 14.5 मिलियन बच्चे हैं अभी. देखो अगर आप ये कोविड वाला ही अगर आप सेक्टर ले लो तो 18 से लेके 45 तक देयर आर 45 करोड़ इंडिविजुअल्स हु हैज टू बी वैक्सीनेटेड. और अगर वो 45 करोड़ में से अगर आप सिर्फ 10 करोड़ की आबादी को भी पकड़ो हु विल बी इन अ पोजीशन टू पे यू द मनी, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. एंड इंडिया एज अ कंट्री, इफ देयर इज वन थिंग विच डजंट स्टॉप विच इज बेबीज. एक बार आपने कोई स्कूल के साथ, प्री स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, गायनेक के साथ, पीडियाट्रिक के साथ, एचआर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बार आपने कनेक्टिविटी कर दी, दे वुड बी योर फ्यूचर लाइफलाइन फॉर द इयर्स टू कम. देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेड ऑफ. फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्ट इज वेरी क्लियर. वी हैव यूनिट फ्रेंचाइजी, वी हैव एरिया फ्रेंचाइजी, वी हैव मास्टर फ्रेंचाइजी. ये एक छोटा सा एक लाइफलाइन है. समझो अगर आप पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी गुड़गांव में देख रहे हो, चलो गुड़गांव तो फिर भी एक बड़ी शहर हो गई, उदयपुर देख लो, 120 कॉलेज है, 56 कोचिंग सेंटर है, 226 प्री स्कूल है, 273 कॉर्पोरेट्स है, 29 पीडियाट्रिक्स है, 555 स्कूल है. सब मिला के मोटा मोटा एटलीस्ट 1000 स्कूल प्री स्कूल कॉलेजेस तो होंगे. उसमें से अगर आप 50 कनेक्शंस भी अगर आप हर साल पकड़ो, मल्टीप्लाई बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल, वी आर टारगेटिंग 1000 स्टूडेंट्स इफ यू आर टारगेटिंग इन अ ईयर योर पोटेंशियल क्लाइंट डेटाबेस, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय योर टारगेट value of 2000 rupees, it makes 20 lakh rupees. आपको OPEX क्या है? आपको एक counselor चाहिए, आपको एक marketing executive चाहिए. हम network को drive करेंगे, हम leads को drive करेंगे, हम marketing activities करेंगे. It is an open and shut case in terms of you joining any industry. ये unit, area, master और regional partnerships हैं, which we will focus and we will send you later on. यूनिट फ्रेंचाइजी स्टार्ट्स विद 3.5 लाख रुपीस टिल 10 लाख रुपीस, बट वी हैव अ कंसल्टेंट मॉड्यूल फॉर बी और सी टाइम सिटीज. प्रोसेस सिंपल है. ए, एनरोल योरसेल्फ. बी, बिकम काउंसलर. सी, इफ यू फील यू शुड हैव वन ऑफ द थ्री नॉलेजेस, आइदर यू कैन बी अ गुड काउंसलर और वी विल ट्रेन यू. बी, यू आर अ गुड इन मार्केटिंग और सेल्स. Or C, you have space, you have money, and you want us to join in, and you want us to run the show. We have all the three aspects. But मैंने ये देखा हूँ last के 10 साल में कि जिन्होंने भी पैसे और समय दोनों खर्च किया है हमारे साथ में, उसको पैसे और समय दोनों ज़्यादा मिलता है. So the more you spend, the more you invest your time, the more you feel that future is secured, and the more you feel that you want a consistent income coming to you. After maybe 6 months or a year, this is the product. अब schools बंद है, college बंद है, preschools बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. There is zero impact. क्योंकि जब भी school खुलेगा, जब भी college खुलेगा, जब भी preschool खुलेगा, उस वक्त में आप तैयार रहोगे. You will be in a position to be so much clear about what you want to do. All you have to do is use this next 3 months or 4 months in investing in the brand or the company to make yourself very, very successful once the schools, preschools, colleges, and rest of the institutions open up. So we have franchisee opportunity right from 3.5 lakhs to 45 lakh rupees. We also have consultant model for 1 lakh rupees and above. अगर आपको देखना है कि चलो ठीक है start कर लेते हैं, 2-3 लाख रुपए एक बार कमा लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. We have all the opportunities. And we